ये शायद नंबर डराने वाला है। जो मृत्यु हो रही है उसका दर भी ज्यादा है और जो टोटल जो कोरोना पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं वो भी किसी ढंग से जो है कोई अच्छी जो है वो स्थिति नहीं कही जा सकती। अखिल भारतीय वन कमेटी ने चाहा है कि कोविड 19 की सहायता के लिए और परामर्श के लिए हर चुनाव क्षेत्र में जो है वो केंद्र स्थापित किए जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के आदेशानुसार हमने जो नैना देवी चुनाव क्षेत्र है उसमें ये जो परामर्श केंद्र है उसकी स्थापना की है और उसमें कोशिश हमारी ये है क्योंकि ये काफ़ी लंबा चुनाव क्षेत्र है तो इसलिए हर इलाका से उसमें प्रतिनिधित्व तो दिया गया है ताकि कहीं पे भी अगर मान लो किसी को कोई दिक्कत आए तो उसको कोई ज़्यादा मुश्किल का सामना ना करना पड़े और जितना भी हो सके उनकी सहायता के लिए हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो हमेशा इस महामारी से लड़ने के लिए तैयार जो है आप लोगों को मिलेंगे। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आज दिक्कत क्या आती है, दिक्कत है कि भी लोगों को आज की तारीख में जो है वो इलाज करवाने के लिए ना तो IGMC में और ना PGI में कोई ठीक ढंग से अटेंड करने वाले लोग नहीं मिल रहे हैं और आज से कल अगर देखा जाए ऑक्सीजन की कमी है। ऑक्सीजन जो है वो लोगों को ज़्यादा चाहिए, जो मरीज हैं वो उपलब्ध नहीं हो पा रही है। आज जो है वो कोविड 19 के जो इंजेक्शन लगाने की बात कर रहे हैं, आज केंद्र सरकार ने कहा है कि 18 और 45 साल के बीच में जो लोग हैं उनको आज के दिन से जो है वो कहा गया है कि उनको इंजेक्शन आज से शुरू होगा, लेकिन बहुत सारी जगह पे ये इंजेक्शन जो है वो नहीं लगाए जा सकते क्योंकि इसकी जो दवाई है वो आज उपलब्ध नहीं है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि क्योंकि हिमाचल प्रदेश की मैं बात करना चाहूँगा, आज मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट है, डिपार्टमेंट की स्टेटमेंट है कि ये जो 18 साल की उम्र तक के लोगों को जो दवाई देने की बात है, इंजेक्शन लगाने की बात है।